This story is brought to you by tapeatale.com. So आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आपके जहन से निकले हुए ख्याल लोगों तक पहुंचते पहुंचते जरा ज्यादा ही बदल गए हो हाँ कितने बार दिन में एक बार दो बार चार पांच बार चलो पकड़ो सौ बार दिन में सौ बार एक वक्त था जब आपके सामने खड़े इस शख्स को अपने हर शब्द हर वाक्य हर बात पर इसका अनुभव आता था क्योंकि बचपन में ना मैं तोतला था वो भी नौ साल की उम्र तक नौ साल की उम्र का बच्चा अगर अपनी चौथी कक्षा की क्लास में तोतली जुबा में बात करे तो इट्स नो मोर कंसिडर्ड एज क्यूट यू नो हर कठिन शब्द का मेरा उच्चारण सुनने के लिए ना हर कोई जरा ज़्यादा ही उत्सुक रहता था सुमित सुमित ये बोलो ना समन्वय और मैं बोल पढ़ता था तमन तमन तमन्वय गुड सुमित ये बोलो अभियांत्रिकी और मैं बोल पडता अभियांत्रिकी बहुत अच्छे अब बोलो सकारात्मकता तकालात्मकता बहुत अच्छे बहुत अच्छे सुनो बच्चों जीवन में ना तुम्हें ऐसे ही तकालात्मक होना चाहिए तुमित आई I मीन mean, सुमित की तरह सब सब हंस पड़ते थे दिन ब दिन चलते गए और एक दिन एक दिन हमारे स्कूल में श्री गणेश पाठ की प्रतियोगिता रखी गई वो भी संस्कृत वाली उसमें नो कुछ दो राउंड थे एक क्लास लेवल का राउंड था जिसमें हर क्लास के सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना था और उसमें से जो टॉप थ्री आने वाले थे उनका एक अलग से फाइनल राउंड होने वाला था तो इसमें मेरा हिस्सा लेने का तो कुछ सवाल ही नहीं था क्योंकि अगर मैं पार्टिसिपेट करता तो मुझे श्लोक बोलता देखकर सारे संत महात्मा ना फिर से एक बार संन्यास ले लेते पर ऐसा हुआ ना कि टीचर ने मेरे ऊपर जरा ज़्यादा ही ज़बरदस्ती की मुझे कहा कि तुम्हें ना इसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा और इसके जो मार्क्स है ना वो ओरल में काउंट किए जाएंगे तो बहरहाल मैंने उस श्लोक को रट लिया प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी पुत्रम विनायकम भक्ता स्मरे संस्मरे नित्यम आयुक् कामार्थ सिद्ध ये कुछ इस प्रकार था उसका प्रथम चरण ये और ऐसे कुछ आठ पद का जो श्लोक था वो मैं अपने क्लास के सामने बोलने जा रहा था एक सा, एक तरफ थी हमारी टीचर और उनके साथ था का सबसे सबसे स्कॉलर स्टूडेंट सुश्रुत जो लगभग तय था कि ये जो प्रतियोगिता है वो वही जीतेगा मैंने मैंने कुछ इस प्रकार शुरू किया अपनी तोतली जुबान में प्रणम में तिलता देव गौली पुतलम विनायक भक्ता वातम मले नित्यम आयु कामाल एज एक्सपेक्टेड सब लोग हंस पड़े इंक्लूडिंग द टीचर टू सबके परफॉर्मेंस होने के बाद ना टीचर ने टॉप थ्री फाइनलिस्ट में मुझे भी नामांकित किया अब बारी थी मेरे साथ पूरे क्लास की अचंभित होने की खास करके सुश्रुत जिसका नाम ना उस फाइनलिस्ट में था ही नहीं वो दौड़ के गया मेरे टीचर के पास और उनके साथ कुछ बहस करने लगा पर टीचर ने सबके सामने कहा सुमित तोतला जरूर है पर उसने ना सही भाव में और बगैर किसी गलत शब्द के वह श्लोक बोला था इसके लिए और उसकी हिम्मत के लिए मैं उसे आगे भेज रही हूँ एक पल के लिए मुझे लगा कि चलो अच्छा है कोई तो है जो मुझे समझ पाया है पर दूसरे ही पल मुझे एहसास हुआ अब मैं गंदा फंस गया हूँ क्या है ना कि अब भी मैं सिर्फ क्लास के सामने मजाक बन गया था अब भी पूरे स्कूल के सामने मजाक बनूंगा यस और ना अपने अंदर अपने मन में ना एक नकारात्मक एक ख्याल रहता है जो हमें बताता रहता है कि देखो आज आज का दिन अगर तुम्हारा अच्छा या फिर ठीक ठाक भी गया है ना तो समझ लो कल तुम्हारा पक्का बुरा जाएगा बुरा 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 ही होगा ये और ऐसे बहुत से निगेटिव से ख्यालों ने मेरे जहन में भीड़ कर दी और ऐसे टाइम पे पेबलों में क्या होता है तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो कुछ तो ऐसे चालू करता है कि तुम्हारे अंदर जो आग लगी है उसके ऊपर एक फुहारा चालू हो जाए बस वैसे ही वैसे ही जो मैं रट लिया था मैंने जो वो श्री गणेश तोत्र रट लिया था वही फिर से शुरू हुआ अपने आप दोहराता गया बार 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 प्रणम्य शीर्षा देव गौरी पुत्रम विनायक भक्तावासम स्मरे नित्य आयुक्का सिद्धे से लेकर तस्य विद्या भवित सर्वा गणेश प्रसादता तक हियर केम द यूरेका मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि मन में मैं तोतला नहीं बोलता था यू you नो know, मन में कोई तोतला नहीं बोलता मन में कोई भी कभी भी कैसे भी तोतला नहीं बोल सकता यस 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 ये, कुछ कुछ तो मुझे पता चला कुछ तो चिंगारी उठी मेरे अंदर जिसकी अहमियत सिर्फ 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 मुझे ही पता थी मुझे ही समझ में आ रही थी मैं दौड़ा स्कूल की तरफ शायद शायद अब कुछ ना कुछ तो अलग होने वाला था क्योंकि मेरे परफॉर्मेंस के लिए मेरा नाम तो लिया जा रहा था पर मुझसे पहले वो जो सुश्रुत था ना वो किसी तरह माननीय मुख्याध्यापक जी से परमिशन लेकर माइक के सामने खड़ा हुआ और वो बोलने लगा मुझे लगता है आज ना हमें सुमित को बोलना नहीं देना चाहिए क्योंकि कहा है ना कि उसे ना ढंग से बोलना नहीं आता और मेरे पिताजी जो है वो बहुत बड़े पंडित है वे कहते हैं कि श्लोक का जो उच्चारण है वो सही होना चाहिए अगर ऐसा ना हो तो समझ लेना कि भगवान का अपमान हो गया है इसलिए इसलिए मुझे लगा इसको यहीं पे रोकना चाहिए मैंने हाथ ऊपर किया और इशारा किया कि मुझे कुछ बोलना है मुझे माइक मिलते ही मैंने शुरू किया तई कहा तुमने तुतलुत मुझे दंगते बोलना नहीं आता पल क्या है ना हम हम थोड़ा पीते जाते हैं तुम्हें दी तुमने दिए गए हल तब्द हल वाक़ के मैंने बोलता गया मैं दौलाता गया तुम्हारे इंटरटेनमेंट के लिए पला आज अब भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना वो तुम सबके लिए नहीं वो मैं खुद के लिए लोग बोलने जा रहा हूँ इसलिए इसलिए जो तुमने कहा ना कि जो बात थी कि लोग बोलने ते भगवान का अपमान होता है मुझे नहीं लगता कि इतने भगवान का अपमान होगा क्योंकि अगर ऐसा होता ना मेरे यार तो भगवान मुझे कभी तोतला नहीं बनाता इसलिए इसलिए मैं अभी ये लोग ट्लू करने जा रहा हूँ जितने भी लगता है ना कि इतने भगवान का अपमान होगा वो पे अपने कान बंद कर ले और फिर फिर मैंने शुरू किया प्रनम्य तिलता देवम गौली पुतलम कम से लेकर तत्य विद्या भवे तलवा तथ्य प्रताद तक उस वक्त ना उस श्लोक बोलते वक्त मेरे आँखों के सामने वो सारे के सारे मोमेंट्स आ रहे थे जिन्हें जिस वक्त मुझे भुली किया जा रहा था मानो वो सारे के सारे मोमेंट्स को मैं वही कहीं छोड़ के आ रहा हूँ और मेरे नए जीवन का श्री गणेशा कर रहा हूँ इसी श्री गणेश स्ोत्र के जरिए उस दिन उस वक्त जो प्रतियोगिता थी वो जीता कि नहीं ये मैं आपको नहीं बताऊँगा मैं चाहूँगा कि आप स्वयं को उस परीक्षक के जगह पर रखें और सोचें उस वक्त आप क्या करते हैं धन्यवाद